गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जापान के बारे में जो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं होने वाली क्योंकि मैंने देखा कि मेरे चैनल पे सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड है, तो आज मैं एक बड़ी वीडियो डालूंगा। हालांकि ये उतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन उतनी छोटी भी नहीं है। गाइस, उससे पहले कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस, आप चलते हैं हमारी वीडियो की। नंबर 5, क्या आपको पता है कि जो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी है ना, वो चाइना में है ना वो इंडिया में है? हाँ गाइस, वो है जापान में। और गाइस, वो और कोई नहीं है, वो है जापान की कैपिटल टोक्यो। हाँ गाइस, टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि जापान में बच्चों से ज्यादा पेट है? हाँ गाइस, ये बहुत अजीब बात है, जापान के लोगों के पास पेट ज्यादा है और बच्चे कम। हाँ गाइस, है ना बहुत अजीब बात। नंबर 3, देन क्या आपको पता है कि आप जापान में पब्लिक प्लेस में नंबर 4 का नाम नंबर 4 नहीं लोग नंबर 4 नहीं बोल सकते, पता है क्यों? क्योंकि जापान के लोग उसको बहुत ज्यादा आदत है। सो प्लीज, वहाँ पर अगर आप कभी भी जापान जाए वहाँ पर नंबर 4 नहीं बोल, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट कंपनी कहाँ पर है? ऑफकोर्स जापान में। हाँ गाइस, जापान में दुनिया की सबसे ज्यादा पुरानी कंपनी, वो दुनिया की पहली कंपनी और उसका नाम है कोंगो ग्रुप। हाँ गाइस, पता है वो किस साल से चली आ रही है? 578 AD। गाइस, आप ये सुन के क्यों गए लेकिन बिल्कुल सच है, वो कंपनी 578 AD से चली। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जापान के जो लोग होते हैं उनकी एवरेज सबसे ज्यादा होती है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा साल जीते हैं, पता है उनकी एवरेज कितनी होती है? 84। आपको पता है गाइस कि वो इतना क्यों जीते हैं, एवरेज इतनी क्यों है? क्योंकि वो हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, हर रोज वहाँ पर आपको सुबह सुबह सड़कों पर काफी सारे लोग वॉक करते हुए दिख जाएंगे, वहाँ के लोग अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं। इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए ताकि जो इंडिया के लोग हैं उनकी भी एवरेज एज काफी बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।